देखो हर चीज का एक क्रम होता है। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने का भी एक क्रम होता है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? शंकर जी को बेलपत्र, जैसे वो सामने जलाधारी दिख रही है आपको, वो जलाधारी जो है पहली बेलपत्र शिव जी की जलाधारी पर चढ़ाना चाहिए। कहाँ चढ़ाना चाहिए? जलाधारी पर। दूसरी बेलपत्र जहां पर शिवलिंग, जो कटी पर शिवलिंग रखा है ना, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है उस कटी पर एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चौथी बेलपत्र जहाँ भगवान शंकर का त्रिशूल रखा हो वहां चढ़ाना चाहिए। पांचवी बेलपत्र मंदिर से जब चलो तो नंदी के ऊपर चढ़ाकर फिर मंदिर से निकल कर जाना चाहिए, तो जो मनवांछित फल मांगो वो भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका, और एक साथ तुम चढ़ाते जाओ शिवलिंग के ऊपर ही ऊपर, तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, मना नहीं है। पर शास्त्र कह रहा है भगवान के चरण जहां से जल नीचे गिरता है वहां एक ओर तो गणेश जी का स्थान होता है, एक ओर कार्तिकेय का स्थान होता है। जहां कटी है वहां जगदम्बा पार्वती का स्थान होता है। जहां शिवलिंग विराजमान है वो शंकर जी का स्थान होता है। जहां त्रिशूल है वहां आनंद से भगवान के नंदीश्वरंगी का स्थान होता है। सामने नंदीश्वर के रूप में भगवान विराजित होते हैं। हम जब भगवान पर बिलपत्र समर्पित करते हैं हमारे कार्य की सिद्धि अपने आप हो जाती है। अपने